हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम जो मल्टीमीटर यूज़ करते हैं, इसमें कोई बैक लाइट की ऑप्शन नहीं है, तो हमें लो लाइट कंडीशन में एंगल एडजस्ट करना पड़ता है, तभी हम देख पाते हैं अच्छे से। लेकिन दोस्तों, क्या होता अगर इसके पीछे एक बैक लाइट लगा होता और इस तरह से हम इसको यूज कर पाते। ओके, तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में इस मल्टीमीटर को खोलते हैं और इसके पीछे बैक लाइट लगाते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे आपको एक रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलता है डिस्प्ले के पीछे, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और ये LCD की जो नंबर्स है वो दिखता है। तो इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे, बहुत ही पेशेंस रख के निकालेंगे इसको, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा फोर्स कर दिए तो डिस्प्ले ख़राब हो सकती है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा डिस्प्ले अब ट्रांसपेरेंट बन गया। इसके पीछे जो भी रहेगा वो दिखेगा। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको फेंक देते हैं। ओके, तो इस डिस्प्ले की ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं। ओके, अब इसके पीछे ही लाइट लगाएंगे। दोस्तों, अगर एक बैक लाइट की बात करें तो फ़ोन की डिस्प्ले से अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये जो ख़राब डिस्प्ले है, ये आपको फ़ोन की मोबाइल रिपेयरिंग दुकान पे फ्री में मिल जाएगा। और इसके अंदर देखिए कितना टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, बहुत सारा एडवांस्ड ऑप्टिक्स यूज किया गया है इस LED की लाइट को पूरा पूरी इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने में। ओके, तो ये डिस्प्ले बहुत ही बेटर ऑप्शन होगा हमारा इस प्रोजेक्ट के लिए। ओके, तो इस डिस्प्ले का ये सब फिल्म को जैसा था वैसा ही हम लगा के निकाल लेंगे। और इसका जो LCD है, मतलब जिसमें पिक्चर क्रिएट होता है, उसको हम फेंक देंगे, क्योंकि वो फटा रहेगा जो आप मोबाइल की दुकान से लाएंगे। तो ये देखिए, मेरे पास भी एक था, इसको मैंने काटा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काटने के टाइम मैं जला के ही काट रहा था, तो ये जल रहा था, बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन मेरा कैमरा का बटन मैंने ऑन नहीं करना भूल गया था। अब दोस्तों, ये देखिए मेरा ये जो डिस्प्ले है, ये अच्छे से लाइट अप हो रही है, इससे काफ़ी अच्छा दिख रहा है ना। ओके, चलो इसके अंदर की जो लाइट है इसको निकाल लेते हैं एक खास वजह के लिए, बताते हैं आपको। तो ये देखिए, ये लाइट जो है, इसमें दोनों LED ये पूरा पैरेलली कनेक्टेड है, मतलब एक को जलाओगे तो दोनों ही जलेगा। तो ये देखिए, इसका माइनस माइनस और प्लस प्लस दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। तो दोस्तों, इन दोनों को सीरीज करेंगे, तो क्यों करेंगे वो बाद में बताएंगे। तो इसमें जो कनेक्शन है, इसको हम काट लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, कनेक्शन काट गया, लेकिन मैकेनिकली ये दोनों अटैच्ड है, ठीक है। अब दोस्तों, इसके अंदर ये जो माइनस और प्लस के बीच एक तार देके इस तरह से सोल्डरिंग कर लेंगे, तो ये एक LED का माइनस दूसरा का प्लस के साथ जुड़ जाएगी। ओके, तो इस तरह से सोल्डरिंग करना होगा, सोल्डरिंग पेस्ट यूज करना होगा। तो इस तरह से ये माइनस प्लस जुड़ गई, अब दोनों साइड से एक माइनस और एक प्लस दोनों का तार निकल लेंगे। ओके, तो ये प्लस माइनस का तार निकल गया। अब ये देखिए, ये 220 ओम रेजिस्टर से मैंने इसको कनेक्ट कर रहा हूँ और ये जल रहा है, नो प्रॉब्लम। अब इसको इस डिस्प्ले के अंदर फिट करेंगे, तो ये देखिए, ये लाइट को अच्छे से डिफ्यूज नहीं कर रहा है। इसका रीज़न ये हुआ है कि ये यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, तो इस प्लास्टिक को हम फेंक देंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर ये बैठ जाएगा अच्छे से। ओके, अब दोस्तों, इसको अच्छे से बैठा के यहाँ पर हम चिपका देंगे, और ये देखिए, ये पूरा अच्छे से बैकलाइट दिख रहा है। ओके, अब दोस्तों, इसमें बताता हूँ आपको क्यों मैंने इन दोनों LED को सीरीज किया। तो ये देखिए, मेरे पास दो वर्जन है, एक में है सीरीज नहीं है, पैरेलल है, और दूसरा में सीरीज किया हुआ है। ओके, तो ये देखिए, ये सीरीज किया हुआ लाइट का करंट कंसम्पशन 14 mA, लेकिन जो सीरीज किया हुआ है वो 9 वोल्ट में 58 mA दिखा रहा है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा रोशनी भी दे रहा है। तो इसलिए हम इसके साथ रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं, जितना रोशनी उसमें मिल रहा था इसमें भी अब उतना ही मिल रहा है, लेकिन इसका जो करंट कंसम्पशन वो डबल है, मतलब 24 mA है। तो इसकी वजह से मैंने इसको सीरीज में किया, क्योंकि दो LED अगर पैरेलली जलेगा तो दोनों LED में 10 mA अगर करंट जाता है तो 20 mA होता है, लेकिन अगर दोनों सीरीज में रहता है और वोल्टेज तो हमारा है ही हेडरूम 9 वोल्ट, तो ये 3 वोल्ट 3 वोल्ट दोनों खींचेगा और इसके अंदर से 10 mA करंट फ्लो होने से दोनों ही जलेगा साथ में। ओके, तो ये होता है मेरा पावर जो सेविंग का टिप्स। ओके, अब दोस्तों, इसकी डिस्प्ले को थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, केरोसिन के यूज कर सकते हैं आप, इसमें जो ग्लू होता है वो केरोसिन में डिजॉल्व होता है, तो इससे ये अच्छे से निकल जाता है। ओके, अब दोस्तों, इसमें हम कनेक्शन कैसे करेंगे? तो दोस्तों, कनेक्शन के लिए हम साइड में स्विच लगा सकते थे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे और एक अच्छा कुछ करेंगे। ओके, तो ये देखिए, इसका जो कनेक्शन है, जो पॉजिटिव लाइन का कनेक्शन, ये V+ में आया और उससे ये इस पिन में जाता है, और यहाँ से जो रोटरी स्विच है उससे ये कनेक्ट होके ये इस बाजार की इस वाली पिन में जाती है। ओके, तो इस जो रोटरी स्विच है
उसको आप जहाँ भी रखेंगे ये बैटरी के वोल्टेज शो करने लगेगा। बस ऑफ़ में रखेंगे तो ये ऑफ़ होता है, मतलब ये जब ऑन है मल्टीमीटर तभी इसमें बैटरी की वोल्टेज आती है, जो पॉजिटिव लाइन हुए वो आती है। तो इसमें हम पॉजिटिव को लगा देंगे एलईडी का इस पॉइंट में, और नेगेटिव को बैटरी की नेगेटिव के साथ 220 ओम रजिस्टर से कनेक्ट किया हुआ है। ओके, अब देखिए ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, ये अगर कोई भी पोजिशन में है ये स्विच तो ये डिस्प्ले चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने दूसरा मल्टीमीटर में इसको लगा दिया जिसका पीछे की बैक लाइट मैंने क्लियर नहीं किया था। तो ये देखिए ये अब सही मल्टीमीटर में लगा दिया इसको, तो ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और पहली बार टेस्टिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। ओके, तो ओके दोस्तों टेस्टिंग कम्प्लीट। अब दोस्तों इसमें हॉट ग्लू लगाने का टाइम है अभी। ओके, तो अभी भी मैंने हॉट ग्लू का नहीं ख़रीदा क्योंकि मैं बहुत बहुत गरीब हूँ, तो ओके ये जोक्स था, तो मेरा उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा। ओके, तो ये देखिए मैंने इसको ग्लू मार दिया। अब दोस्तों इसको असेंबल करने की बारी है, तो इसका जो स्क्रू आप जब टाइट करेंगे तो पीछे दो एक बार घुमाइए तो ही ये स्क्रू की जो थ्रेड है वो ख़राब नहीं होगा। ओके, अब दोस्तों ये कम्प्लीट हो चुका है, अब दोनों का कंपेरिजन देखते हैं कौन सा अच्छा दिख रहा है। तो अब आप ही बताइए कौन सा मल्टीमीटर मेरा अच्छा दिख रहा है। ओके, अब अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है तो उसके बाद अगर आप बैटरी की कंसम्पशन को सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ओके, आप मेरे चैनल से जुड़े रहना, मैंने दिखाता रहूँगा कि ये मल्टीमीटर की बैटरी कितना दिन चलता है। तो ये देखिए लो लाइट और लाइट ऑफ की टेस्टिंग, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों लास्ट में जो वीडियो जा रहा है इनमें से कुछ एक को देख लेना आप, और अच्छे से मेरा चैनल का जो कंटेंट्स है उसको एंजॉय करना, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, मैं बता सकता हूँ।